जल्दी दर्शन हो गया? हाँ, सुबह से लाइन नहीं लगी थी। मैं मेरे यहाँ पर जान पहचान के लोग हैं, मतलब मैं मेंबर हूँ, इसलिए यहाँ माँ का दर्शन हो गया। मैं हर मंगल को बहुत दिनों से आती हूँ। नवरात्र में इस हाँ, स्थल यहाँ का लंबा लाइन सुबह 4 बजे से लग जाता है नवरात्र में। माँ का ऐसे भी, इस माँ का अखंड वासनी देवी हैं, जब भी इनका दर्शन कीजिए, कुछ भी मन में रखे, वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। इसलिए मैं बहुत दिनों से माँ के मंदिर में मंगलवार को आती हूँ, हर मंगल को। और नवरात्रा में तो यहाँ का अलग, यहाँ इतनी लंबी लाइन लगती है श्रद्धालुओं की, इतनी भीड़, लंबी भीड़ हो जाती है कि सब दर्शन करने आते हैं कि माँ से कुछ मन में रख कर, और वो ज़रूर पूरा करती हैं। 8 बजे से आई हूँ लाइन में। आज काफ़ी भीड़ नहीं है, लेकिन सप्तमी से काफ़ी भीड़ थी। आज तो नॉर्मल डे में, जैसे ट्यूजडे को होता है। दिन आती हैं या फिर? नहीं, मैं ट्यूजडे को आती हूँ। क्या मंगलवार को क्या विशेष है, कुछ है क्या कि यहाँ मंगलवार को आती हो और नवरात्र? मन की अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा है। मंगल आइए, जिस दिन माता का दरबार तो हर दिन खुली रहती है। अपनी अपनी श्रद्धा है कि मंगल को माता रानी का दिन होता है, इसलिए हम लोग मंगलवार को आते हैं। लगी थी कितना जल्दी दर्शन हो गया? 1.5 घंटा लगा है। 1.5 घंटा लगा है लाइन में, तब दर्शन हो गया। क्या महत्व है, क्यों दर्शन करने हैं, क्या यहाँ के बारे में आपने सुना है, क्या सोच के आई है? माता सब मनोकामना पूर्ण करती, इसलिए माता के पास आए हैं कि मेरा भी सब पूर्ण कर ले। दीप का यहाँ बहुत सबसे ज्यादा ज्योत का महत्व है। इस ज्योति के बारे में आपको क्या मालूम? सूर्य का मच्छर से आया है ज्योत, जल रहा है, 100 साल से ऊपर हो गया है। और जब से हम लोग दर्शन करने आए हैं, तब से ये ज्योत जलती रहती है, और हर साल हम लोग माता का दर्शन करने आते हैं। करीब 20-25 साल से हम लोग आ रहे हैं। हर नवरात्रि में, हर नवरात्रि में आते हैं, हम लोग माँ का अखंड वासिनी का इनका बहुत महत्व है। अखंड ज्योति इनका जलता है, जो मांगते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। दीप भी जलाने की परंपरा है कि अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग, हाँ, लोग यहाँ घी दान करते हैं, तेल दान करते हैं, और मतलब सालों सालों से दीप जलती, कभी दीप नहीं बुझी है। आप कितने साल से ये दीप देख रहे हैं? जब से शादी होकर यहाँ आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ। लगभग 30 साल। मनोकामना पूर्ण हुई है, आती है बहुत बहुत, जो माँ से मांगती हूँ वो सब पूर्ण होती है। क्या इस अखंड ज्योति का क्या परंपरा है, कितने साल से ये चल रहा है? 107 साल से परस्पर चल रहा है, मतलब एक घी का दिया है और एक तिल का दिया है, जो लगातार जलते आ रहा है 107 साल से। इसकी स्थापना के पीछे क्या, मैंने आपको जानकारी, आप चूंकि उनके परिवार से जुड़े हैं ना, परिवार के सदस्य हैं, किन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसके पीछे क्या मकसद था? ये दादाजी के द्वारा स्थापित किया गया था, कमख्या से लाए थे ज्योत दो और यहाँ पे स्थापित किए थे, यही है। कोई डिमांड, कोई मांग पूरी हुई थी क्या, सोच करके ये यहाँ लाए थे, जलाए थे? डिमांड करे, भक्ति से अपना जो था अपना दिखाए, अपने लेकर के आए वहाँ से, मन से जो मन्नत मांगते हैं जो कोई पूरा होता है यहाँ पे, ऐसा इसलिए लोग मंगलवार के भी ऐसे भी आते हैं चढ़ाने के लिए। 9 अड़हुल के फूल, 7 हल्दी, 1 पुड़िया सिंदूर, अपन मनोकामना लिख करके माँ को अर्पित करते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कहा जाता है कि बाढ़ भी आया था तब भी ये दीप जलता रहा। जी जी जी, पटना में वो भीषण बाढ़ भी देखा है। जी, तो आप कितनी पीढ़ी, आप कौन सी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी के चलता हूँ।